यस, गुड इवनिंग। चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, पॉलिटिकल इस चैप्टर को हम लोग देख लेते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। बात क्लियर, वॉइस सब कुछ ठीक है? ओके, देखिए कल हम लोग क्या पढ़े थे, कल जो हम लोग आर्टिकल 123 तक पढ़ चुके थे। आर्टिकल 123 में क्या बोला गया है, तो आर्टिकल 123 में बोला गया है राष्ट्रपति का अध्यादेश के बारे में बात किया गया था। ओके, तो अध्यादेश क्या होता है, किस प्रकार से इसको लाया जाता है, इसके बारे में कल हम पूरी अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके थे, ठीक है ना। तो क्या होगा कि आज जो है हम लोग इसके बाद वाला जो टॉपिक है यानी कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे आर्टिकल 124 में बनी थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आप लोग का, तो इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि झारखंड टेट में जो है 50 नंबर का पॉलिटी से क्वेश्चन रहेगा। तो यानी कि एक एक चीज़, एक एक कॉन्सेप्ट जो है ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात यहाँ तक क्लियर हो चुका है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। और आज क्या होगा ना, आज है हम लोग क्या करेंगे, पूरी तरह से भाग पाँच यानी कि पार्ट पाँच को जो है कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, पार्ट छः में घुस जाएंगे। ओके, तो चलिए आज क्या होगा, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या 124 से लेकर 151 तक का आर्टिकल्स के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, जो जो इंपॉर्टेंस है उसको देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात कहाँ होता है, तो ये जो है आर्टिकल 124 में ये बोला गया है कि देश में क्या होगा, देश में जो है सुप्रीम कोर्ट का गठन होगा, इसके बारे में बात किया गया है। ओके, अब भाई सुप्रीम कोर्ट में अगर क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का अगर स्थापना हो रहा है तो इसको चलाने के लिए क्या होगा, इसको चलाने के लिए जो है जज का होना कंपलसरी है, जज होना ही पड़ेगा, तभी वे लोग क्या करेंगे, वे लोग जो देखेंगे मैटर्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए, जब भी आप लोगों को पूछा जाएगा कि भाई बताओ सुप्रीम कोर्ट में जो है कुल कितने जज होते हैं, बात क्लियर है ना, तो क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 34 होते हैं। कितना होते हैं, 34 जज जो है ये क्या होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं, जिसमें से 33+1 इसको हम लोग लिखते हैं। तो ये 33+1 है क्या, इसको हम लोग देखेंगे पहले। तो ये 33 क्या है, तो 33 जो है ये सुप्रीम कोर्ट के जज है, बात क्लियर। और ये जो 1 है ना, ये भी सुप्रीम कोर्ट का जज है, लेकिन ये जो 1 है ये कौन है, ये जो है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बात क्लियर। तो अगर पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 34 जज होते हैं, जिसमें से एक जो होता है क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, यानी कि जजों का भी क्या होता है, वो हेड होता है, यानी कि ये 34 में से एक हेड होगा और 33 क्या होगा, अन्य जज हो बैठेंगे, बात क्लियर हो चुका है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्या है भाई कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए योग्यताएँ क्या है, सुप्रीम कोर्ट का आप जो है जज कैसे बन सकते हैं, क्या क्या होना चाहिए योग्यता। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए जो है कम से कम हाई कोर्ट में क्या बोल रहे हैं, हाई कोर्ट में कम से कम क्या होना चाहिए, आप जो है 5 साल तक जज आप बने रहेंगे, या फिर हाई कोर्ट में 10 साल तक आप जो है वकील का काम किए रहेंगे, तो ही आप क्या हो सकते हैं, तो ही आप जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते हैं, इसका ये सबसे बड़ा योग्यताएं हैं, बात क्लियर। यहाँ तक क्या बोले हम ये बोले कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए या फिर जज बनने के लिए क्या जरूरी है, तो ये जरूरी है कि भाई आपको जो है ना कम से कम हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट क्या होता है, प्रत्येक राज्य में होता है हाई कोर्ट, जैसे हमारा हाई कोर्ट कहाँ पर स्थित है, रांची में स्थित है, ओके, झारखंड हाई कोर्ट, उसी प्रकार से अगर देखा जाए उड़ीसा का कहाँ है, कटक में है, इस प्रकार से अलग अलग मतलब क्या होता है, हर एक राज्य में जो है ये अलग अलग मतलब जो है होता है, ठीक है। हाई कोर्ट अभी जो है फिलहाल भारत में 25 हाई कोर्ट स्थित है, बाद में पढ़ेंगे हम लोग। ओके, तो क्या बोल दिए हम आपको, बोले कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या आवश्यक है, हाई कोर्ट में 5 साल तक वहाँ पर जज होना चाहिए आपको, फिर या फिर हाई कोर्ट में 10 साल तक आप जो है एडवोकेट का काम किए हो, तभी क्या कर सकते हैं, तभी जो है आप सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता आप रख सकते हैं, यहाँ तक बात क्लियर। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा कि आप जो है राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार होना चाहिए। मान लेते हैं कि अगर क्या है, अगर हम जो है जज बनना चाहते हैं तो राष्ट्रपति के नज़र में हम क्या होना चाहिए, हम जो है कानून का जानकार होना चाहिए, तभी क्या होगा, तभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, बात क्लियर। तो ये होता है क्या, इसका योग्यताएं, बात यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब चलिए हम लोग अच्छा जानते हैं, अब देखिए सबसे मेन पॉइंट यहाँ से आप लोग क्वेश्चन पूछ सकता है
क्या पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, कौन करता है, राष्ट्रपति करेंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में कितना जज होते हैं, 34 जज होते हैं, तो इन 34 जजों का नियुक्ति कौन करेगा, तो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करते हैं, बात क्लियर, कौन करते हैं, राष्ट्रपति। अब मुख्य न्यायाधीश को छोड़ के, ध्यान से सुनेगा, मुख्य न्यायाधीश को छोड़ के बाकी के जो 33 जज होते हैं ना, इनकी नियुक्ति जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सलाह पर कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। अब देखिए, राष्ट्रपति को भाई कानून के बारे में उतना थोड़ा ना कुछ पता है कि भाई जुडिशरी में क्या होता है, न्यायालय में क्या क्या होता है, उतना उसको नहीं पता है, तो उसको तो क्या करना पड़ेगा, उसको जो है बस नियुक्ति करना होता है। तो नियुक्ति संबंधित जो प्रस्ताव है या फिर जो सिफारिश है, ये कौन करेगा, ये जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहेगा। वो क्या कहेगा, वो कहेगा राष्ट्रपति से कि राष्ट्रपति साहब इस आदमी को आप क्या कीजिए, इस आदमी को जो है आप सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना दीजिए। तो उसके इस सलाह पर क्या करेगा, राष्ट्रपति जो है अन्य जजों को क्या कर सकता है, अन्य जजों को जो है नियुक्त कर सकता है, बात क्लियर। फिर क्वेश्चन आएगा कि भाई जो मुख्य न्यायाधीश होता है, आप लोगों को तो पता है कि मुख्य न्यायाधीश का जो है कौन चुनेगा, कौन नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति करेगा। लेकिन जो मुख्य न्यायाधीश होता है उनका चयन जो है ना कोलेजियम, ठीक है, कोलेजियम के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। अब क्वेश्चन आगे, कोलेजियम क्या होता है, तो कोलेजियम जो होता है ना वो क्या होता है, वो जो है जो 34 जज होते हैं, ध्यान से सुनेगा, जो 34 जज होते हैं उनमें से जो 5 वरिष्ठ जज होंगे, 5 मतलब जो थोड़ा सा एजेड होंगे, जिसे जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो जो है राष्ट्रपति को क्या करेंगे, राष्ट्रपति को सलाह देंगे कि इस बंदे को क्या करो, इस बंदे को जो है आप मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दो। तो क्या करेगा, राष्ट्रपति जो है उस आदमी को क्या करेगा, कोलेजियम के सलाह पर उसको मुख्य न्यायाधीश बना देगा। यहाँ तक बात के लिए हो चुका है, ठीक है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्यकाल कितना साल होगा, 65 वर्ष तक होता है, ठीक है, यानी कि ये जो है 65 साल में क्या हो जाएंगे, रिटायर्ड हो जाएंगे। फिर तथा ये अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं, यानी कि जब वो त्याग पत्र देना चाहेंगे, यानी कि अगर मान लेते हैं कि कोई जज है वो 65 वर्ष से पहले ही रिटायर्ड करना चाहते हैं, ओके, अपना पद से इस्तीफा देना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, ये जो है अपना इस्तीफा किनको देंगे, तो ये जो है अपना इस्तीफा या फिर त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं, बात क्लियर। अब मान लेते हैं कि अगर किसी कारणवश जो है जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज हुए उसको अगर अपने पद से हटाना पड़ेगा, हटाना चाहता है, तो उसको किस हिसाब से हटा सकते हैं, तो उसको जो है महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा क्या कर सकते हैं, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उसको हटाया जा सकता है, उसको अपने पद से बेदखल कराया जा सकता है। यहाँ तक बात क्लियर। क्या बोला गया है कि जजों को हटाने के लिए, कौन से जजों को, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए क्या करेंगे, महाभियोग जैसे, महाभियोग नहीं, क्योंकि हम आपको पहले ही बोले थे कि महाभियोग जो वर्ड है ये किसको लगता है, ये जो है केवल राष्ट्रपति पर लगता है, ओके, तो इसलिए जो है अब जैसे भी क्या होता है, जितने भी मतलब और भी जिस प्रक्रिया से जो इसे हटाया जाएगा, तो उसे हम लोग कहेंगे महाभियोग जैसे प्रक्रिया उसे कहेंगे, ओके। तो क्या होगा कि जजों को हटाने के लिए महाभियोग जैसे प्रक्रिया लाई जाती है, बात के लिए। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, हम आपको क्या बोले कि सुप्रीम कोर्ट में टोटल जज कितने होते हैं, 34 होता है, अभी फिलहाल 34 है, इससे पहले क्या था 30 हुआ करते थे, ठीक है, जिसमें 29 जज होते थे और एक मुख्य न्यायाधीश होते थे। लेकिन क्या बोला गया है ना, इसमें ये बोला गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है इनकी संख्या में वृद्धि करना या फिर घटाना किसके हाथ में है, तो ये जो है संसद के हाथ में है, यानी कि संसद चाहे तो क्या कर सकता है, वो जो है सुप्रीम कोर्ट में जो भी जज है उनकी संख्याओं को बढ़ा सकता है या फिर उनकी संख्याओं को घटा सकता है। ये पावर किसके पास है, तो ये पावर जो है संसद के पास है, यहाँ लिखा नहीं गया है, यहाँ से क्वेश्चन एक आया हुआ था इसलिए हम इसको आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। क्या था क्वेश्चन, ये था कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या की वृद्धि करने का जो पावर है वो किसके पास है, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, या फिर राज्यपाल, या फिर कौन, संसद। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट, यानी कि संसद होगा, बात क्लियर यहाँ तक। लेकिन अगर आपको पूछे कि हाई कोर्ट में जो जज है, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी संख्याओं को वृद्धि करना या फिर घटाना किसके हाथ में है, तब इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के हाथ में है। ये दो चीज़ याद रखिएगा, यहाँ से कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसको दो चीज़ याद रखिएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करेगा तो संसद इसका आंसर होगा, लेकिन अगर हाई कोर्ट के बारे में बात करेगा तो इसका आंसर राष्ट्रपति होंगे, बात क्लियर यहाँ तक। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं, चलिए आर्टिकल 125, आर्टिकल 125 में क्या बोला गया है, तो आर्टिकल 125 में जो है जो भी सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज होते हैं उनका जो है वेतन भत्ते के बारे में बात किया जाता है,
यानी कि उनको जो है पेमेंट कितना मिलेगा, इसके बारे में बात किया जाता है। कहाँ पर? आर्टिकल 125 में। और जितने भी जज होते हैं ना, उनको जो वेतन दिया जाता है वो भारत के संचित निधि से दिया जाता है। किससे दिया जाता है? संचित निधि से। तो आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि भाई बताओ कि राष्ट्रपति को जो है, सॉरी, जो जज है, जज को वेतन कहाँ से दिया जाता है? तो क्या बोलेंगे? तो हम लोग बोलेंगे कि भारत के संचित निधि से क्या किया जाता है, उनको जो है वेतन दिया जाता है। और जिनको भी संचित निधि से वेतन दिया जाता है उनका वेतन में कभी भी कटौती नहीं की जा सकती है, ठीक है, उनके वेतन में कभी भी कटौती नहीं किया जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट, अनुच्छेद 126। अनुच्छेद 126 में क्या बोला गया है? अनुच्छेद 126 में बोला गया है कि जब मुख्य न्यायाधीश, जब क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में अगर अनुपस्थित रहेगा, हमेशा तो भाई अवेलेबल नहीं होता है, कुछ कारण से वो कहीं बाहर चले गए घूमने या फिर बीमार पड़ गए, तो क्या होगा, वो अनुपस्थित हो जाएंगे। तो इस संबंध में क्या बोला गया? तो इस संबंध में बोला गया, यानी कि आर्टिकल 126 में बोला गया है कि जब कोई मुख्य न्यायाधीश क्या रहेगा, अनुपस्थित रहेंगे, तो क्या होगा, तो उनके बदले में जो है 33 जज और जो है, ठीक है, उसमें से क्या हो जाएगा, उसमें से कोई एक जज को अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता है। यानी कि अब वो जो है, जो जज बनेंगे, जो अस्थायी मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, वो क्या करेंगे, वो जो है अब मुख्य न्यायाधीश का काम को संभालेंगे। ये कहाँ बात किया गया है? तो ये जो है आर्टिकल 126 में बात किया गया है। क्या बोला गया? कि जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहता है तो शेष 33 जजों में से ही एक को अस्थायी मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता है, जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कहलाता है। ठीक, इसे क्या कहलाएगा? ये जो है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कहलाएगा, और मुख्य न्यायाधीश का जो जो काम होता है ये काम वो संभालेंगे। और जैसे ही मुख्य न्यायाधीश आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो जो है उस पद से हट जाएंगे और वो अपना क्या हो जाएगा, 33 जज के श्रेणी में उसको गिना जाएगा फिर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां तक बात क्लियर हो चुका है? अब चलते हैं आगे। देखिए आर्टिकल 127 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आर्टिकल 127 में किसका बात किया गया है? तो आर्टिकल 127 में तदर्थ न्यायाधीश के बारे में बात किया गया है। किसके बारे में? तदर्थ न्यायाधीश। तो तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है? तो देखिए, जब क्या होता है, जब सुप्रीम कोर्ट में जब जजों की संख्या कम हो जाती है, ठीक है, कभी क्यों, क्योंकि देखिए आप लोग जानते होंगे कि इंडिया में प्रोसेस थोड़ा कम कम चलता रहता है, ठीक है, बहुत धीरे धीरे चलता रहता है, स्लो स्लो चलता रहता है, और केस बहुत आता है। तो मान लेते हैं कि किसी कारणवश जो है 34 जज में से, ठीक है, 34 जज में से अगर 5-6 जज अगर रिटायर्ड हो जाते हैं, ठीक है, तो कितना बचा, मान लेते हैं कि वही 20-25 अगर हो जाते हैं, यानी कि कम हो जाते हैं, तो इस केस में क्या होगा? तो इस केस में जो है ना, तब मुख्य न्यायाधीश के, ध्यान से सुनेगा, तब मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर राष्ट्रपति 25 हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर के तदर्थ न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं। ओके, इसकी शक्ति सुप्रीम कोर्ट के बराबर होती है, किंतु ये अस्थायी होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी कारणवश, ठीक है, किसी कारणवश क्या होता है कि जजों की संख्या में अगर कमी हो जाती है, तो क्या करेगा, तब जो है जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो क्या करेंगे, वो जो है सिफारिश करेंगे किसको, राष्ट्रपति को, कि आपको क्या करना है, आपको जो है किसी भी हालत में जल्दी से न्यायाधीश को लाइए, ताकि हम लोग क्या करेंगे, केस की सुनवाई कर पाएं। ओके, लेकिन जो जजों की जो नियुक्ति होती है वो बहुत बहुत मतलब प्रोसेस उसका हार्ड होता है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए अगर टाइम नहीं है तो क्या करेगा, तब जो है राष्ट्रपति आर्टिकल 127 का प्रयोग करेगा, किस प्रकार से, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है जितने भी देश में 25 हाईकोर्ट है, आपको बोल दिए थे, और प्रत्येक हाईकोर्ट में क्या होता है, प्रत्येक हाईकोर्ट में जो है अपना अपना क्या होता है, एक चीफ जस्टिस होता है, वहाँ भी चीफ जस्टिस होता है एक एक करके, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा पावर किसका होता है, सुप्रीम कोर्ट का, चीफ जस्टिस का पावर सबसे ज़्यादा होता है। तो क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि जो 25 हाईकोर्ट होंगे और प्रत्येक हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होगा, तो उनके सलाह पर, ठीक है, उनके सलाह पर क्या करेगा, उनके सलाह पर जो है तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है? तदर्थ न्यायाधीश होता है, ये रिटायरमेंट होते हैं, ठीक है, जो रिटायर्ड ले लिए होते हैं, जो जज रिटायर्ड ले लिए होते हैं, उन्हीं को फिर से बुलाया जाता है, और ये क्या करेंगे, ये जो है काम को करते हैं। ओके, तो क्या होगा कि इसकी शक्ति क्या होता है, इसकी शक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट के बराबर होता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं उसके बराबर होता है। ओके, अब चलते हैं आर्टिकल 129 की तरफ। आर्टिकल 129 क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट अभिलेख नज़ीर का कार्य करता है, ठीक है, नज़ीर का मतलब क्या है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। आर्टिकल 129 के बारे में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है किसका कार्य करता है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नज़ीर का कार्य करता है। नज़ीर यानी कि मान लेते हैं कि कोई एक केस हो गया, ठीक है, कोई केस हो गया, उसकी सुनवाई क्या होता है, उसकी सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में हो गया, सुप्रीम कोर्ट इसका डिसीजन ले लिया, ठीक है। सेम उसी तरह का जो केस है वो हाईकोर्ट में चल रहा है,
ध्यान से सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट अलग होता है, हाई कोर्ट अलग होता है। सुप्रीम कोर्ट क्या है, ये केंद्र सरकार का पूरा एकदम होता है, ठीक है, वो हाई लेवल का होता है, और हाई कोर्ट जो है राज्य लेवल का होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला था और उसका डिसीजन जो है कौन दे दिया, सुप्रीम कोर्ट के जज लोग दे दिया। सेम उसी तरह का ही क्या होता है, सेम उसी तरह का जो है केस हाई कोर्ट में चल रहा होता है। तो क्या होगा, हाई कोर्ट के जो वकील होंगे वो क्या करेंगे, वो जो है नज़ीर पेश करेंगे, किसका, ये जो है उदाहरण पेश करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण पेश करेंगे, और क्या बोलेंगे, और वे जो है बोलेंगे, जो हाई कोर्ट के जज है उसको बोलेंगे कि देखिए इतना तारीख को क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने इसी प्रकार के केस पर सुनवाई किया था और इसका रिजल्ट ये दिया था। तो इस आधार पर क्या होगा, तो इस आधार पर जो है जो हाई कोर्ट होगा उसकी सुनवाई कर देता है, यानी कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट जिस प्रकार से वो क्या किया था, सुनवाई दिया था, तो उसी आधार पर ही क्या होता है, जो हाई कोर्ट होता है वो भी इसका बता देगा, ठीक है, कि इसका सुनवाई वो दे देगा, ओके। तो इससे क्या होता है, इससे जो है जो प्रक्रिया होती है, जो सुनवाई की जो प्रक्रिया होती है वो जल्दी हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें जो है एग्जाम्पल दिया जाता है कि वो बोलेगा कि देखिए इतना तारीख को जो है सुप्रीम कोर्ट क्या किया था, इस प्रकार का केस में ये क्या किया था, सुनवाई दिया था, तो आप भी इसी प्रकार से दीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भाई किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट तो सबसे बड़ा कोर्ट होता है, उसकी सलाह से मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या कहा गया, इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट को नज़ीर का कार्य ये करता है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किसी अन्य मुकदमे में भी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो चीज़ हम बोल दें इसमें भी वही सब चीज़ लिखा गया है, ओके, ताकि न्याय जल्दी मिल सके। बात क्लियर यहाँ तक, अब चलिए हम लोग आगे की ओर जाते हैं। अब चलिए आर्टिकल 137, ठीक है, ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम आपको जब हम पढ़ा रहे थे, जब आर्टिकल्स हम शुरू किए थे तब हम आपको बोले थे कि हम लोग का संविधान में जो है 470 से भी अधिक क्या है, 470 से भी अधिक अनुच्छेद है आर्टिकल से, लेकिन मेन आर्टिकल 395 ही है, ऐसे क्यों होता है, तो ऐसे जो है आर्टिकल 137 के कारण होता है, हम उस वक्त बताए थे। तो इसमें ऐसा क्या चीज़ लिखा गया है, ऐसा क्या चीज़ हुआ था, ठीक है, तो देखिए क्या है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को बदल सकता है, इसे न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा क्या है आर्टिकल 137 में, क्या है तो आर्टिकल 137 में जो है सुप्रीम कोर्ट अगर जो डिसीजन ले लिया होता है, मान लेते कोई भी केस चला था तो उसका क्या हो गया, उसका जो है वो बता दिया कि भाई ये इसका इस प्रकार से होगा, ओके, फिर क्या होता है, फिर जो है दूसरी बार एक अलग केस आया तो वो जो है जो पहले वो डिसीजन ले चुका होता है तो उसको वो बदल सकता है कि नहीं वो हम अलग दे दिए थे लेकिन इस मुकदमे में हम उसका अलग देंगे, ठीक है, अलग हम देंगे। तो इसको क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं, बात क्लियर। तो इसमें क्या होता है, किस प्रकार से होता है ये देखेंगे, क्या है भाई सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसलों को क्या कर सकता है, बदल सकता है, यानी कि जो वो बोल दिया उसको भी वो क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। उदाहरण, सुप्रीम कोर्ट जो है ना दोराई राजन मामला, एक दोराई राजन मामला था जो कि 1960 में हुआ था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में वो गया हुआ था, ये सुनवाई हो रहा था 1960 में। तो इसमें क्या होता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भारत का जो प्रस्तावना होता है ना, जो भारत का जो प्रस्तावना है उसको संविधान का अंग नहीं माना था, कौन, सुप्रीम कोर्ट जो है इस सुनवाई में प्रस्तावना को भारत का संविधान का अंग नहीं माना था। प्रस्तावना क्या है, आप लोग को बोल दिए थे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण बहुत संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष इस प्रकार से बोलता है ना जी, तो वो क्या है, वो जो है आपका क्या होता है, वो हम लोग का प्रस्तावना होता है। तो क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट दोराई राजन मामला 1960 में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, लेकिन केशवानंद भारती केस, एक केशवानंद भारती केस हुआ था जो कि 1973 में हुआ था, इसमें क्या होता है, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट जो है अपना डिसीजन को चेंज कर देता है और कहता है कि नहीं क्या है, प्रस्तावना जो है ये भारत का संविधान का ही अंग माना जाएगा। तो सोचिए 1960 में क्या बोला था, 1960 में जो है सुप्रीम कोर्ट बोला था कि प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना जाएगा, लेकिन 1973 में क्या बोल रहा है, केशवानंद भारती मामला केस में क्या बोला था, ये बोला था कि कोर्ट ने अपने ही फैसले को बदल दिया और प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया, ठीक है। तो इससे हम लोग को ये समझ में आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है अपने ही फैसले को क्या कर सकता है, बदल सकता है, चेंज कर सकता है, ठीक है। अब क्या कहा, इसके तहत यानी कि केशवानंद भारती मामला के तहत क्या बोला, इसने उस वक्त बोला कि भाई प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाएगा और साथ ही साथ क्या होगा, साथ ही साथ जो है संसद जो भी रहेगा, ठीक है, जो भी संसद है वो क्या करेगा, वो जो है संविधान को संशोधन तो कर सकता है, आप लोग जानते होंगे संविधान का संशोधन तो होता रहता है, ओके। तो इसके तहत क्या बोला गया, इसके तहत ये बोला गया कि जो संसद है वो क्या कर सकता है, वो जो है संविधान का संशोधन कर सकता है, अगर संविधान में कुछ गलत चीज़ लिखा गया है और उसको अगर चेंज करने की ज़रूरत है तो संसद उसको कर सकता है, चेंज कर सकता है, लेकिन उसके मूल ढांचे को बदल नहीं सकता,
मूल ढांचा मतलब, मूल ढांचा का मतलब होता है कि जब हम लोग का संविधान बन गया था तो उस समय वो जिस प्रकार था तो उसी प्रकार का ही रहेगा, ठीक है। उसका मूल ढांचा को नहीं बदला जाएगा, यानी कि जो मूल अधिकार, ध्यान से सुनिएगा, मूल अधिकार कौन से भाग में है, भाग तीन में है। तो अगर संविधान संशोधन किया जाएगा और अगर वो लोग बोलें कि नहीं भाई भाग पाँच में हम लोग मूल अधिकार इसको रखेंगे, तो ऐसा नहीं कर सकता है, यानी कि जो मूल ढांचा है उसको वहीं रहेगा वो सब चीज़, जहाँ पर पहले से जो भाग में जहाँ पर जो जो चीज़ लिखा गया था वो सब चीज़ रहेगा, उसको बदला नहीं जा सकता है। बात क्लियर? तो क्या बोला गया, तो इसके तहत जो है संसद संविधान का संशोधन कर सकती है परंतु मूल ढांचा को बदल नहीं सकती, ठीक है। इसी कारण आज अनुच्छेद केवल 395 ही है तथा उसमें ABCD करके जोड़ा गया है, ठीक है। तो अगर चाहता तो क्या कर सकता था, उसके किसी के बीच में दे देता, मान लीजिए कि 49 है, ठीक है, 49 है, ठीक है, 49 है आर्टिकल्स कुछ लिखा हुआ है, तो क्या करेगा वो चाहता तो 50 नंबर में कुछ अलग लिखना चाहता है तो वो तो बीच में इसको डाल सकता था, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें जो है मूल संविधान का पूरा ढांचा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वो वर्क उस प्रकार से होता है, जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल के रूप में आर्टिकल 21 किसके बारे में बात किया जाता है, आर्टिकल 21 किसके बारे में है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बात किया जाता है। और 21 का क में क्या लिखा गया है, 21 का क में लिखा गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करेंगे, कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। तो अगर वो बोलता है कि भाई 21 के बाद हम 22 आर्टिकल लिख देंगे और 22 में क्या है, 22 में जो है सजा का जो प्रावधान दिया गया था उसको हम लोग 23 में कर देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे जो है एक एक करके पीछे चले जाता सभी के सभी आर्टिकल्स, तो इसमें तो बहुत असुविधा हो जाता। तो इसलिए क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि भाई हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल्स को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, जो जिस प्रकार से आर्टिकल में है उसको उसी में ही रखा जाएगा। हाँ, अगर आप लोग जोड़ना चाहते हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें ABCD करके लिख सकते हैं, या फिर क ख ग घ करके इसको क्या कर सकते हैं, उसको जो आप लोग लिख सकते हैं। बात क्लियर? तो इस प्रकार से क्या था, ये आर्टिकल 137 हो जाता है। बात क्लियर? अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं आर्टिकल 141, ठीक है। आर्टिकल 141 में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो है आज का पेपर कटिंग है, आज का है, ये आज का प्रभात खबर में ये दिया गया है, इसलिए हम इसके सामने में आपके सामने ये चीज़ लाए हैं ताकि आप लोग को प्रूफ के साथ हम दिखा सकें, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखिए आर्टिकल 141 क्या बोलता है। तो आर्टिकल 141 जो है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भारत के सभी न्यायालय तथा सभी नागरिकों को माननी पड़ती है, यदि कोई व्यक्ति न्यायालय की बात को नहीं मानता तो उसे अवमानना समझकर न्यायालय दंडित कर सकता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन दे दिया उस डिसीजन को जो है हर एक नागरिक को मानना पड़ेगा, हर एक मंत्री को मानना पड़ेगा, हर एक वरिष्ठ अधिकारी को भी मानना पड़ेगा। बात क्लियर? अगर कोई उनकी बात को नहीं मानता है, किसकी बात को, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन को अगर नहीं मानता है तो क्या करेगा, तब जो है सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट जो है अवमानना समझ करके, अवमानना का मतलब होता है कि उसका बात नहीं माना जाएगा, ये समझ कर क्या कर सकता है, उस आदमी पर या फिर उस संस्थाओं पर क्या कर सकता है, प्रतिबंधित कर सकता है या फिर उसको दंडित कर सकता है। ये देखिए, ये आज का न्यूज़पेपर है, इसमें क्या लिखा गया, देखिए, माल्या को 4 माह की सजा, 2000 जुर्माना, नई दिल्ली। ध्यान से सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को अदालत की अवमानना के मामले में सोमवार को 4 महीने की सजा सुनाई। कोर्ट ने माल्या पर 2000 रुपये पर का जुर्माना भी लगाया। बात क्लियर? तो यह देख लेना, अवमानना, अवमानना क्या होता है, अवमानना का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई भी संस्था अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन को मानने नहीं मानता है तो क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट जो है उसको अवमानना समझ कर क्या कर देगा, उसको दंडित कर देगा। तो सेम चीज़ इसको लगा है, आज के पेपर है, देखिए आज सुबह में हम न्यूज़ पढ़ रहे थे तो उसको क्या है, उसको हम कटिंग करके आपके सामने में पेश किए हैं ताकि आपको यहाँ दिखाया जा सके। तो ये जो अवमानना वाला जो मामला है तो ये कौन सा आर्टिकल के तहत होगा, तो ये आर्टिकल जो हम लोग का 141 के तहत ये लगाया जाता है। यहाँ तक बात क्लियर हो चुका है? देखिए, ये है विजय माल्या, देखे होंगे आप लोग, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। अब चलिए आगे देखते हैं आर्टिकल 143, ठीक है, आर्टिकल 143 इसको देखते हैं हम लोग। आर्टिकल 143 में क्या है, तो आर्टिकल 143 में जो है राष्ट्रपति, जो भी राष्ट्रपति हम लोग का होंगे वो क्या करेंगे, वो जो है किसी भी मुद्दे पर, किसी भी मुद्दे पर क्या कर सकते हैं, वो जो है सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकता है। मान लेते हैं कि अगर राष्ट्रपति का कुछ डिसीजन लेना है और वो अगर उस डिसीजन को लेने में समझ नहीं आ रहा है तो क्या करेगा, वो जो है उस डिसीजन के लिए क्या करेगा, वो जो है सुप्रीम कोर्ट की मदद मांगेगा और बोलेगा कि तुम हमको सलाह दो, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट उसको सलाह देगा। तो ये जो सलाह देता है तो ये जो है राष्ट्रपति मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है, ये उसके ऊपर है, लेकिन क्या कर सकता है, वो जो है कोई भी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, ठीक है, नहीं लेने से भी चलेगा लेकिन ले भी सकता है, वो उसके हाथ में है। तो
तो ये कौन सा है, ये जो है आर्टिकल 143 के तहत ये होता है। क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति किसी भी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से ठीक है सलाह मांग सकते हैं, ठीक है सलाम नहीं होगा, सलाह मांग सकते हैं, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से क्या होगा, ये आप लोग को एक आर्टिकल 143 है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आर्टिकल क्या है भाई, अभी जो है हम लोग पढ़ेंगे CAG यानी कि कंपटरल एंड ऑडिटोरियल जनरल, यानी कि इसे हिंदी में कहा जाता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जो कि आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक के बीच में ये कहा गया है। बात क्लियर दिख रहा है ना, ओके। चलिए क्या है भाई, हम लोग अभी पढ़ेंगे CAG के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग केग भी बोल सकते हैं, ठीक है केग भी बोला जाता है, लेकिन इसको केग में एक मत बोलिएगा, CAG बोलिएगा, ठीक है। कंपटरल एंड ऑडिटर जनरल, ये क्या होता है, इसका काम क्या होता है, ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। लोक लेखा परीक्षक ये होता है, तो लोक लेखा परीक्षक क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। हिंदी में कहते हैं इसको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि ये आर्टिकल 148 से लेकर 151 के बीच में इसके बारे में बात किया गया है। तो आर्टिकल 148 में क्या बोला गया है, तो आर्टिकल 148 में बोला गया है इसमें CAG के पद की चर्चा की गई है, यानी कि भारत में क्या होगा, एक CAG का पद होगा, ओके इसके बारे में ये बात किया गया है। कहाँ पर, आर्टिकल 148 में, 148 में ये बात किया गया है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें जो है CAG के पद के बारे में चर्चा है। फिर केग, ठीक है केग यानी कि CAG की नियुक्ति क्या करता है, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री क्या करेगा, प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को सलाह देगा कि आप जो है इस आदमी को क्या करोगे, इस आदमी को जो है CAG बना दो, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति उसी आदमी को क्या करेगा, CAG बना सकता है। बात क्लियर, CAG जो है 65 वर्ष आयु या 6 वर्ष कार्यकाल तक अपने पद पर रह सकता है, जो भी पहले आएगा उसी हिसाब से वो रहेगा, यानी कि जो भी CAG बनेगा वो क्या होगा, वो जो है मैक्सिमम 65 साल तक क्या कर सकता है, वो जो है रह सकता है, या फिर अपना जो सर्विस है वो 6 साल तक वो दे सकता है, यानी कि जो भी इसमें से पहले आएगा उसी का वो मान्यता होगा उसका, ठीक है। अगर कोई अगर आदमी 6 साल पूरा नहीं कर पाया और उसका अगर 65 साल हो गया तब भी वो क्या हो जाएगा, रिटायर्ड हो जाएगा। अगर कोई आदमी 65 साल नहीं हुआ है लेकिन वो जो अपना कार्यकाल 6 साल पूरा कर लिया तो क्या हो जाएगा, तब भी वो रिटायर्ड हो जाएगा। यानी कि CAG जो होगा 65 साल की आयु या फिर क्या होगा 6 वर्ष कार्यकाल, इन दोनों में से जो पहले आएगा क्या कर सकता है, अपने पद पर ये रह सकता है, ठीक है। फिर क्या होगा, CAG को महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा कि भाई बताओ इनमें से किसको जो है इसमें से किसको महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया नहीं जा सकता, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ देगा। आपको ऑप्शन रहेगा, राष्ट्रपति रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का जज रहेगा, ठीक है फिर कौन रहेगा, फिर आपका रहेगा CAG रहेगा या फिर राज्यपाल रहेगा, आप लोग जान लेंगे। आप लोग को अगर पता रहेगा कि महाभियोग द्वारा किसको किसको हटाया जाता है तो आप लोग उसका आंसर कर देंगे, ओके। तो क्या होगा, CAG को भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया, इसमें जैसी प्रक्रिया लिखा गया है, ठीक है ध्यान रखिएगा, द्वारा हटाया जा सकता है। फिर क्या है, CAG अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं, यानी कि अगर मान लेते हैं कि CAG अगर क्या करना चाहता है, अगर अपने पद से इस्तीफा देना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो जो है अपना त्याग पत्र जो है वो किसको देगा, वो राष्ट्रपति को दे देता है, ठीक है। फिर मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य केग नहीं हो सकता है, ठीक है इसमें केग लिख दिए हैं, इसको चेंज कर देंगे हम, ठीक है यहाँ CAG होना चाहिए था, ठीक है इसको लिख देंगे, कुछ मिसप्रिंट हो गया, ओके। तो क्या हो जाएगा, मंत्रिपरिषद जो भी मंत्रिपरिषद के जो भी लोग होते हैं, ओके जो सदस्य होते हैं वो कभी भी CAG नहीं बन सकते हैं, बस इसमें ये चीज़ लिखा गया है। फिर देखते हैं हम लोग आगे, आर्टिकल 149 148 के बारे में समझ लिए, 148 में क्या बोला गया है, 148 में जो है CAG के पद के बारे में चर्चा की गई है, और CAG को क्या किया जा सकता है, CAG को जो है महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा उसको हटाया जा सकता है, ठीक है। अब चलते हैं आर्टिकल 149 में क्या बोला गया है, तो 149 में जो है जो CAG होते हैं उनकी शक्तियाँ के बारे में चर्चा की गई, यानी कि उसका क्या क्या शक्तियाँ होती है। तो ध्यान से देखिए, CAG भारत के लेखा विभाग का प्रधान होता है, लेखा विभाग क्या होता है, यानी कि वो जो है क्या करेगा, कहाँ पर कितना खर्च किया जा रहा है उसके बारे में वो देखता है, अर्थात केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किसी भी खर्च की जांच कर सकता है, यानी केंद्र सरकार जो है कहाँ पर कितना पैसा खर्चा कर रहा है, राज्य सरकार कहाँ पर कितना रुपया खर्चा कर रहा है उसके बारे में वो पूरा डिटेल्स लिखा रहता है, उसका क्या करता है जो है खोज खबर लेता रहता है कि क्या कहीं पैसों का कारोबार तो नहीं हो रहा है, ठीक है भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है, तो ये सब के क्या करता है, ये सब के बारे में वो जाँच करता रहता है। जैसे कि मान लेते हैं
कि अगर कोई सरकार किसी दूसरे देश से कुछ डील करता है ओके, तो इसकी बार क्या करेगा, इसमें जो है सीएजी क्या करेगा, सीएजी जो है वो पूरी अच्छी तरह से देखेगा कि भाई ये जो जो कारोबार हो रहा है, जो एक दूसरे के साथ जो संधि हो जा रहा है ठीक है, इसमें जितना रुपया खर्चा किया जा रहा है तो क्या ये खर्चा जो है सही मायने में हो रहा है या फिर भ्रष्टाचार हो रहा है ठीक है। तो इसके बारे में क्या करेगा, इसके बारे में जो है सीएजी जांच करता है ओके। फिर क्या है आर्टिकल 151, आर्टिकल 151 में क्या है, आर्टिकल 151 में जो है सीएजी केंद्र तथा राज्य की जांच का रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं, यानी कि जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार जितना रुपया खर्चा किया, खर्चा करने के बाद क्या होता है, जो सीएजी होते हैं ये उसका क्या करते हैं, जांच करते हैं, जांच पड़ताल करेंगे, जांच पड़ताल करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या करेगा, वो जो है राष्ट्रपति को सौंप देगा कि देखिए ये जो था ये सही हो रहा था या फिर गलत हो रहा था। तो इस मामले में क्या होता है, ये जो है जो सीएजी होते हैं ये रिपोर्ट किसको सौंपेगा, तो ये जो है रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप देता है। बात क्लियर? तो ये तक क्या था, ये तक हम लोग पढ़ लिए हैं, आर्टिकल 151 तक पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, भाग 5 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है ठीक है। भाग 5 में 100 आर्टिकल्स था, पूरी अच्छी तरह से हम लोग देख चुके हैं। बात क्लियर? तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, भाग 6 के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसको देख लीजिएगा, पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, तैयारी करते रहिएगा, इसका टेस्ट जल्दी होगा ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।